ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। जिला कलेक्टर वीरेंद्र सिंह रावत को भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी के नाम ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिस ज्ञापन में 6 जुलाई को ग्राम हैदर तहसील ईशागढ़ अशोक नगर मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है, आज उसकी सरेआम अवहेलना देखने को मिल रही है। 8 साल की बेटी के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, इस घटना में सर्वदलित समाज सदमे में है और आक्रोश में भी है। 8 साल की बेटी स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है और जब वह स्कूल से घर किताब लेने आती है तो रास्ते में ही रोक कर उस बेटी के साथ दर्दनाक हैवानियत का खेल खेल कर उसका जीवन संकट भरा कर दिया जाता है। 8 साल की मासूम बेटी के साथ बलात्कार कर उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी देने वाले असल आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे दलित समाज के लोगों में कानून के प्रति सहानुभूति स्थापित हो सके। प्राइम न्यूज 24 के लिए इमरान अली खान की रिपोर्ट। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी जिला अध्यक्ष भिंड ज्ञान सिंह कवैया जी के माध्यम से आए दिनों हो रहे अत्याचार के समाज पर ऐसा ही एक मामला अशोक नगर के जिला का है। 8 वर्ष की बच्ची चंचल अहरवाल, 30 वर्ष का राम नरेश यादव ने उसका बलात्कार किया। मैं राष्ट्रपति महोदय से अपील करता हूँ कि 3 महीने के अंदर ऐसे दर्द सारे हरकत करने वालों के खिलाफ निर्भय केस के अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, उसी प्रकार राम नरेश यादव को भी दी जाए, ताकि बलात्कार जैसे कृत्य को करने वाले लोगों को एहसास हो सके। माँ महिम जी से निवेदन है कि किशोरी चंचल अहरवाल न्याय के लिए अपराधी को फांसी की सजा दिलवाने की कृपया करें।